जा मन को जा। कुरान आलिम ज़ीशान है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनाइए, आईएएस आईपीएस बनाइए, लेकिन अगर अल्लाह पाक तौफीक दे तो सबसे पहले उनको दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता कीजिए। और अगर अपने तमाम औलादों में से एक औलाद को आपने हाफिज कुरान या आलिम ज़ीशान बनाया तो फिर जन्नत में आपका महल तामीर हो गया, आपका ठिकाना बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अराकीन अल जामतुल बरकातिया रज़विया व नौजवाना ने अहले सुन्नत महल्ला दरगाह को सलामत रखे। जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन साहब जो इस जलसा के सदर हैं तशरीफ लाए, खुशी के इस मौके पर उनको भी गुलपोशी होगी उनकी भी। जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन साहब सदर जलसा, जनाब मोहम्मद तबरेज आलम साहब, जनाब मोहम्मद तौकीर साहब, जनाब मोहम्मद राजू साहब, ये चारों हजरात भी स्टेज पर तशरीफ लाने की जहमत गवारा करें। अराकीन इदारा की जानिब से इन हजरात की गुलपोशी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं रसूल आजम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हिफ्ज कुरान में शिरकत करने वाले तमाम उलमाए किराम सूफिया मशायख हजरत हाफिज वकारी जमील अख्तर साहब रज़वी, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अब्दुल रहमान बरकाती साहब कुल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आज इन बच्चों के जज्बात ये कह रहे हैं कि मैं कदम कदम पे था गामजन, कभी इस चमन कभी उस चमन, जो फिजाए ज़हन सवार दे मुझे उस जहां की तलाश थी। जब ये बच्चे घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं तो इनके मोहल्ले के संगी साथी कहते हैं कि हम लोग यहाँ तरह तरह का खेल खेलते हैं, तुम कहाँ चले जाते हो? छोटी छोटी बहनें छोटे छोटे भाई हाथ थाम करके रोने लगते हैं कि भैया मत जाओ। मगर अपने भाई अपने मुआशरे अपने माँ बाप की मोहब्बतों को खैर बात कह के ये लोग इल्म दीन हासिल करने के लिए आते हैं। और जब कामयाबी हासिल हो जाती है तो अल्लाह का फजलो करम है, जहाँ जाते हैं अच्छा खाते हैं, जहाँ जाते हैं अच्छा पहनते हैं, इनके लिए बिस्तर और चादर लगा रहता है। हजरात मैं हजरत अल्लामा कारी मतीउर रहमान साहब कुल्ला, हजरत आलिम बामल अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब, मौलाना नजर आलम कादरी साहब और तमाम जिम्मेदारान इदारा को मुबारकबाद पेश करूँ। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफ्फाज़े किराम, हाफिज शादाब रजा सिमरवारा वैशाली, हाफिज कैफ रजा आधारपुर समस्तीपुर, हाफिज फिरदौस रजा वैशाली, हाफिज ताजुद्दीन रजा गोविंदपुर बेड़ा वैशाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मोहतरम हजरात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो अभी आप जश्न दस्तारे हिफ्ज का रूह परवर मंजर अपने माथों के निगाहों से देखा है हजरात, ये आपके मेहनतों का नतीजा है। आपने हर महाज पर सीना सिपर होकर अलजामतुल बरकातिया रज़विया का ख्याल रखा, ध्यान रखा। मैं अपने कौम से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये चार हफाज़े किराम कौम के हवाले पेश किया है। हजरात, ये ऐसे हाफिज़े कुरान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला रमजानुल मुबारक में पूरे कुरान को रमजानुल मुबारक के मौके से तरावी की शक्ल में सुनाएंगे इंशाअल्लाह। कहते सुभान अल्लाह। हजरात, ये जितने भी हफाज़े किराम है सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा याद है। सब लोग एक वक्त पांच पारे दस पारे सुनाने के काबिल हैं। हजरात, आप इन बच्चों के लिए दुआ करें
कि रब्बे कदीर इसको कौम का सच्चा सिपाही बनाए, कौम का सच्चा मुबल्लिग बनाए और तादमे अखीर अहले सुन्नत वल जमात पर चलने वाला बनाए। हजरत हमारे बस तीन शेर लेकर जनाबे आसिफ रजा सुभानी तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद नौशाद मिसबाही छपरवी की नाते नदी सुनेंगे, बादहू जनाबे अख्तर परवाज हबीबी आएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाहुल अजीज आपको खिताब भी सुनना है। कोई हजरात यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएगा।